I'm so excited. Patience, patience. मुझे इसे खा के पसीने आ रहे हैं। ये आंसू नकली नहीं है। क्यों करना है हमको ये? क्यों करना है? क्यों? ये कौन सी चुल मची हमें? नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है डे 10 ऑफ माय बर्थडे सीरीज। ओ माय गॉड, ऑलरेडी डे 10 दिन हो गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत स्पेशल है और उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, पर मैं वापस कहती हूँ, आज मैं खाने वाली हूँ पूरे दिन, मतलब 24 आवर्स ईटिंग कोरियन पैकेज फूड। तो जैसे कि उनके रामेन और रोल्स एंड एवरीथिंग। आई एम अ ह्यूज के ड्रामा फैन। के ड्रामा मतलब कोरियन ड्रामास, कोरियन सीरीज, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो जब उनके शो में लोग रामेन खाते थे, रोल्स खाते थे, स्नैक्स खाते थे, तो मेरा मन है, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कब जाऊँ, मैं कब खाऊँ। पर ऑफ कोर्स इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, स्पेशली मेरे एरिया में तो मिलता ही नहीं है। फिर मुझे डिस्कवर हुआ एक शॉप, मतलब मेरे एरिया में नहीं, थोड़ा दूर है, वहाँ पे सारा कोरियन का पैकेज फूड मिलता है। एंड आई वॉज सो पम्प्ड अप, मैं जल्दी गई उस शॉप में, शॉपिंग किया, एंड वहाँ से मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ शॉपिंग की है। और मैं आज आपको, मैं पूरे दिन यही खाने वाली हूँ। और मैंने मोस्टली सब चीज़ें वेजिटेरियन ली है, बस एक ही चीज़ है जो नॉन वेज है, वो भी एक स्नैक्स है। बाकी रामेन वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने वेजिटेरियन लिया है। तो यस, मैं सब कुछ दिखाऊंगी, मैं इसको कैसे कुक करती हूँ, इसकी प्राइस क्या है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। और आपके सामने खा के इसको बताऊंगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, तो इसका टेस्ट कैसा है एंड क्या है। ओ गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। पेशेंस पेशेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, मैंने मेरा फर्स्ट मील चूज़ कर लिया है। ये है किमची रामेन नूडल सूप। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ है एंड ये वेजिटेरियन है। यहाँ पे सारे ये लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आधे मेरे को पढ़ने नहीं आ रहे, आधे इंग्लिश में है, तो वो मैं डायरेक्शन वगैरह करके मस्त बना के आपको अभी दिखाऊँगी। सो एक्साइटेड। मैं आपको सारे सामान दिखाऊँ क्या? तो दिस इज़ दी स्नैक्स। ये नॉनवेज वाला स्नैक है, ये श्रिम फ्लेवर्ड क्रैकर्स है, सुपर स्पाइसी नूडल्स। ये मैंने हर जगह, हर वीडियो में देखे, लोग ये ट्राई करते हैं और बहुत पसंद आता है उनको, तो मुझे भी ये ट्राई करना, पर ये मैं रात को खाऊंगी एज माय डिनर। अगेन ये है कोका, इंस्टेंट राइस, फेटुचिनी, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट ये सी फूड फ्लेवर का है। आई गेस ये नॉनवेज, इसके पीछे ना है ही नहीं मार्क, आई गेस। अगर सी फूड फ्लेवरिंग है तो ऑफकोर्स नॉनवेज होगा। ये वन ऑफ द, मतलब बहुत जगह मैंने इसको देखा है, हमेशा मुझे ट्राई करना है। इट्स ग्लूटेन फ्री, ब्ला 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 ब्ला। देन अगेन माई किमची, जो मैंने दो पैकेट्स लिए, एंड दिस इज एक्चुअली थाई रोल, बट ये कोरियन लोग भी कंज्यूम करते हैं। इस तरह के कुछ ये दिखते हैं। इट इज़ राइस पेपर एंड इसके रोल्स बनाते, तो वो भी मैं शाम को खाने वाली हूँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो पहले चलो चलो, कुछ नहीं, मेरे को बहुत भूख लगी है एक्चुअली, ये लंच टाइम हुआ है एंड मैं ये खाने वाली हूँ। एंड फॉर लाइक स्पेशल थिंग, मेरे चॉपस्टिक्स ना टूट गए थे, तो मैं आज सुबह उठ के खास इस वीडियो के लिए चॉपस्टिक नए वाले लेके आई हूँ। एक्साइटमेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये किमची रामेन नूडल्स ओपन करके बताती हूँ। इसके अंदर आया है मुझे दो पैकेट्स, एक है सूप बेस और दूसरा है ड्राइड सब्जी जो होती है, एंड देन नूडल्स। फिर मैंने एक पतीले में पानी लिया अराउंड 500 ml, एंड देन उसमें सारा कुछ जो मिला है वो डाल के उसको 4 to 5 minutes बॉईल करना है ऑन मीडियम फ्लेम, एंड देन बस आपकी जो रामेन है वो रेडी हो जाता है। जस्ट लाइक मैगी, जो हमारे यहाँ पे मैगी होती है 5-10, 2 मिनट में बनती है, तो मतलब 4 मिनट में बन जाती है, वैसे ही रामेन भी है 5 मिनट में बन जाते हैं।
तो गाइज मेरा रामियन रेडी हो चुका है एंड लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. इट लुक्स डैम गुड मैन, डैम गुड. एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं इसको चॉपस्टिक से खा रही हूँ. मुझे आता है, मैंने बहुत पहले खाया है, बट स्टिल आई नो बट आई एम नॉट गुड एट इट. वार्निंग. ओके तो चलो मैं ट्राई करती हूँ आपके साथ. ओह माय गॉड, ये बहुत ही फिसल रहा है. सी, और मुझे ऐसे लग रहा है मैं कोई के ड्रामा में बैठी हूँ और मेरा अभी सीन शूट हो रहा है. अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. इट्स सो गुड मैन. मैं और एक खाऊंगी. वो ऐसे कोरियन सीरीज में खाते हैं. अगर मैं आपको अजीब लग रही हूं तो प्लीज. चटका. दे आर रियली गुड. दे आर रियली, मतलब तीखा नहीं है पर फ्लेवर है और किमची का फ्लेवर है. बिकॉज आई हैव ईटन किमची बिफोर सो आई नो किमची का फ्लेवर कैसा होता है. तो इट्स लाइक किमची एंड इट हैज़ सम पीसेस ऑफ कैरेट. किमची बीच बीच में उन्होंने डाला है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज किमची. वेट, आई विल शो यू. दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज किमची. मज़ा आ गया. आई एम अ हैप्पी बेबी. और या सच्ची बोलूँ तो मुझे कैमरा पे खाने को बहुत अजीब लग रहा है. इट्स लाइक मैं शादी में बैठी हूँ और कैमरा वाला आया है मुझ पे कैमरा लेने. तो मेरी मम्मी आ रही है और तब तक मेरी बहन इसे ट्राई करके आपको भी बताएगी कैसा है. ट्राई, लेट्स ट्राई. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. या इट हैज लाइक वीट फ्लावर एंड पोटैटो स्टार्च टाइप. अच्छा आई लाइक इट. अच्छा है ना. नहीं पर ये अच्छा है. या मतलब मेरे को, मैंने इमेजिन जैसे किया था ना. इट्स लाइक समथिंग. ऐसे खाया है मैंने कुछ तो पहले. कब? मतलब पसंद आया. खाइए खाइए मेरे पिल्लेट्स, खाइए. इट्स लिटिल बिट लाइक हिप्पी मैगी. नाही ती नो, हे जर गाजर म्हणून ते हिप्पी सारखं वाटते. पर किमची पण ईट इट बट आई डोंट नो गाइस. मुझे अभी देखना है, अभी देखो जैसे कि हम बच्चे हैं, हम कोरियन लोगों के फैन हैं तो अपना रिव्यू तो अच्छा ही है. तो अभी मम्मी क्या रिव्यू देती है, क्योंकि मॉम लोग बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं. ये आप भी एग्री करोगे. तो मुझे मम्मी का रिव्यू देखना है. मम्मी अभी तैयार होकर आ रही है बिकॉज वो मुझे बोल रही थी कैमरा में वो अच्छी नहीं दिखेगी, अच्छा दिखना मांगता है. तो वो थोड़ा सा थोड़ा टचअप करने गई है. आ गई है और मैं मम्मी को बोल रही हूँ टेस्ट करें. तो डिस्क्लेमर, मम्मी को सिर्फ मैगी मैगी पसंद है. मम्मी को इप्पी भी नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद. मम्मी तुला खरा खरा सांगायचं. एक मिनट ना मम्मी, तुला खरा खरा सांगायचं की हे तक तुला कसं वाटते. मास्टर शेफ चांगलं आहे, आवडलं. खरं सांग, खरंच खूप आवडलं मला. कसं वाटतंय, काय तुला फ्लेवर काय वाटतो ह्याच्यात? एकदम टेस्टी. सगळ्या भाज्या आहेत ह्याच्यात. हां, भाज्यांचा फ्लेवर आहे. हां, आणि मस्त थोडं आंबट गोड असे सगळे टेस्ट आहे. किमची आहे ना, किमची फ्लेवर. मग किमची थोडी आंबट असते ना. खूप छान आहे, खूप छान, मला फार आवडलं. तो ये मदर अप्रूव्ड है. तो अच्छी आहे. ठीक आहे, चलो थम्स अप. ये नूडल्स रामेन खा के 2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे. अब मुझे ये ट्राई करना है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ और मैं मम्मी को लेके बैठी हूँ. तो मम्मी भी मेरे साथ ट्राई करने वाली हूँ. ये नॉन वेज है क्योंकि इसके पीछे रेड मार्क दिया है, तो इसलिए मेरी बहन नहीं खाएगी क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन है. तो हम इसे खा के आपको बताएंगे. मम्मी खोलना. क्रैप का ऐसे सामने
श्रिम है, श्रिम फ्लेवर है, श्रिम का फ्लेवर है ओके इसमें। मम्मी लेट मी फर्स्ट ट्राई, फिर मैं तुझे बताती हूँ ठीक है। कळत ना फ्लेवर चांगले खा खा जा मम्मी, वास चांगले नाहीये पण खायला चांगलं, थोडं खाऊन सांगावं लागेल, थांबा मी माईक देते। ब्राउन्स आहे मम्मी, श्रिम फ्लेवर आहे, श्रिमचा फ्लेवर आहे मम्मी। अजून एक ट्राय कर, एक एक अजून एक ट्राय कर प्लीज, कर ना लास्ट चान्स। हा नहीं सजेस्ट नहीं करना बिल्कुल नहीं। मैं अगर आप बहुत नॉनवेज खाते हो और आपको सी फूड का फ्लेवर सहन होता है, बहुत हैवी फ्लेवर है, मैं हाँ मैं खाती हूँ तो मुझे इतना नहीं लगा, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका, तो नहीं मम्मी को तो बहुत ही गंदा लगा और मुझे ठीक लगा है, नॉर्मल लगा है। 5 में से मैं इसको दूंगी एक One. नहीं मैं इसको दूंगी 2.5 इश 3 2.8 नहीं तुला नहीं तुझा बन है मम्मी माज एक ठीक है मम्मी का एक है और मेरा जीरो जीरो टेस्टी नहीं है कुछ भी टेस्ट नहीं है। खाऊन बघितलं आणि मम्मीनी पण थोडं खाऊन बघितलं आणि फायनली तिने एक कन्क्लुजनवर आली आहे की हे ॲक्च्युली कसं टेस्ट करतं, तर मम्मी हिंदी में बताओ कैसे टेस्ट करता है। इसमें नमक नहीं है, मिर्ची पाउडर नहीं है और इसमें मीठापन भी नहीं है, कुछ भी इसमें टेस्टी नहीं है, मतलब टेस्टलेस है, काइस टेस्ट नहीं, टेस्टलेस। थोड़ा फिश का फ्लेवर है इसमें, कच्चे फिश का, तो मतलब ये है कि कुछ टेस्ट ही नहीं है, टेस्टलेस। 99 रुपीस का ओके। हाँ अभी हम ये बिल्ली को खिलाने वाले, हाँ बिल्लियों को ही खिलाएंगे क्योंकि ये कोई खा ही नहीं सकता है, ऐसा ही टेस्टलेस एकदम, मतलब जिसको टेस्ट नहीं ज्याला चव नहीं म्हणतात ना मराठीत, म्हणतात चव नहीं, बशाट आहे बशाट, याला अशी चव आहे की ज्याला काही चवच नाही आहे। मैंने खाने की कोशिश की फिर मुझे नहीं अच्छा लगा और भी इंडियन लोकांना जरा आपण स्पायसी खातो, थोडं तिखट मीठ असं जरा तडका बिडका असलेलं छान कुरकुरे सारखं आयटम, कुरकुरे कुरकुरे हे नाही आवडणार कुणालाच नाही आवडणार, म्हणजे तिकडच्या लोकांना ठीक आहे, त्यांना आवडत असेल हा कच्च्या माशांचा फ्लेवर, आपल्याला हो मग त्यांना ते ठीक आहे ना, ते कच्चंच खातात ना सगळं, आपल्यासाठी नाही आहे हे, आपण सगळं एकतर उकडून मस्त स्पायसी तडका बिडका मारून खातो, फोडणी मस्त झाली पाहिजे। मम्मी लोग सच बोलते हैं, तो ये रहा मेरी मम्मी का कन्फेशन। इस अभी रात हो गई है एंड हम अभी डिनर बनाने वाले हैं, तो मैंने वो श्रिम का खाया था, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा वो खा के, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ईट दैट। तो अभी मैं ये सुपर स्पाइसी नूडल्स बनाने वाली हूँ, अभी इसके ऊपर तो बाबा लिखा है सुपर स्पाइसी, पर अभी देखते हैं कि ये कैसा है, सुपर स्पाइसी है कि ब्ला ब्ला है, तो मैं ये बनाती हूँ आपको खोल के बताती हूँ उसके अंदर क्या है, चलो बनाते हैं। तो गाइस इस नूडल्स के साथ मुझे मिला है 2 पैकेट्स, एक में है सूप बेस तीखा वाला और दूसरे में फ्लेक्स है एंड नूडल्स। तो गाइस मेरे बन गए हैं ये हॉट स्पाइसी वाले रामेन,
ये बहुत ही मस्त दिख रहे हैं, लाल लाल। आई गेस कैमरा पे वो लाल कम दिख रहा है, पर वो लाल थे। और जब मैं बना रही थी ना, तभी भी आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा लाल दिख रहे थे, और इसमें ज़्यादा सब्जियाँ भी है। और ये अभी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाते। और ये बहुत फिसल रहा है, आपको लगेगा कि मुझे चॉपस्टिक से नहीं आता, पर ये बहुत फिसल रहा है। आपको धुआं दिख रहा है, गर्म में बड़ी तू पे हे प्लेट ही है बरबर है, तीखा है, अच्छा है, तीखा है। हाँ, इट इज हॉट, आई गेस गर्म है इसलिए मुझे ज़्यादा तीखा लगा, क्योंकि मैंने गरम गरम खाया। बट बस अभी पिनू भी टेस्ट करके बताएगी आपको। वैसे स्टक थोड़ा सा ही खाना, तीखा है। पहली चीज़ है ये जो हॉट लगी है, तीखी लगी है। हाँ। ना, नहीं तो कभी तीखा नहीं होता, कभी तीखा नहीं होता। ये बहुत बोलते हैं सुपर स्पाइसी, हॉट स्पाइसी, पर कुछ भी होता नहीं है, होता नहीं है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। पर ये तीखा है, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मसालादार है, इंडियन लोगों को पसंद आएगा वैसा है। और ये एक्चुअली सूपी होना चाहिए, पर मैंने ना इसको थिक कर दिया, बहुत ही सूपी हो जाता है। हाँ, बहुत सूपी बन गया था। उन्होंने जितना पानी बोला था 500 ml फॉर पर पैकेट, मैंने उतना ही डाला था, पर फिर वो बहुत ही सूपी हो गया था। फिर मैंने उसको थोड़ा पकाया ज़्यादा, तो वो सूप मेल्ट हो गया। अभी मैं मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी मम्मी एकदम बेस्ट बताएगी। रुको, तीखा तीखा तीखा, मुझे इसे खा के पसीने आ रहे हैं, नाक वेरी वेरी ऐसे हो रहा है। और अभी मैं पागलपंती कर रही हूँ, ये ना टाको बेल का फायर सॉस है जो बहुत तीखा है। ये बहुत तीखा है, डायरेक्ट थ्रोट, नॉट मैकडी वाला सॉस नहीं, हाँ नहीं, बहुत तीखा है, सच्ची में बहुत तीखा है, डायरेक्ट थ्रोट पे जाता है। तो मैं ना एक बाइट, चलो यार एक ही बाइट लूंगी मैं, ज्यादा नहीं यहाँ। एक मिनट गाइस रुको, थोड़ा स्टक ए पिनू ए। खूब टाकला में पानी पी था, थैंक यू। तो हमारी तीनों की वाट लगने वाली है, तीनों की स्लिप हो रहा है क्योंकि हमारे जो चॉपस्टिक्स है ना वो भी स्टिक के है। कैमरा लगा इधर आ जाओ मेरी बहन, ये आंसू नकली नहीं है, क्यों करना है हमको ये, क्यों करना है, क्यों, ये कौन सी चुल मची हम में, हमसे तिगन चितर वाट लग दे। इत बस नहीं तो सुपर स्पाइसी नील है, रिव्यू देते वो आ गए हैं मेरी मम्मा, तो अभी वो देगी रिव्यू। थम मम्मी मैं घायला घालते तुला, खूब तिखट। कौन सा ब्रँड आहे गं ते? कोरियन वाल्यांचं, ते सुपर स्पायसी म्हणून। पिनू माझं खाली तर एवढं सूप आहे। अगं इंडियन लोकांना मागं सरकवलं त्यांनी तिखटाच्या बाबतीत। अगं किती तिखट आहे, म्हणजे आपली घाम फुटलाय, मिसळ मागं सरक, हां घाम फुटलाय, मिसळ मागं, मी आपले शब्द बता दिए, इतना तिखा आहे डूड, मिसळ मागं पडली आपली। इंडियन मिसळ जी आहे ना, जी म्हणतात आळंदीची मिसळ वगैरे खूप फेमस आहे, आळंदीची मिसळ फार तिखट असते, चिंचवडची जनता मिसळ फार तिखट असते, पण या सगळ्यांना मागं सोडलं, पहिले नाही तिखट लागत, नंतर आता खूप
गाइस वही मैं बोल रही थी, भयानक मिर्ची पाउडर। स्टार्टिंग में इतना नहीं लगा, पर अभी जैसे जैसे और खा रहे हम, वैसे वैसे तीखा बढ़ रहा है। और ट्रस्ट में मेरे घर में बहुत तीखा खाते हैं, मतलब मिर्चिया खाते हैं मेरे घर में, और हमको अगर ये तीखा लगा है तो बहुत, ये बहुत तीखा है, बहुत ही तीखा है, पर टेस्टी भी है, पर मजा भी आएगा मेरे को, तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। Dude, I am in my Korean house right now. हमारा वो रामियन खाके हो गया है, आँखों से पानी, सब कुछ हो गया है। मेरे फाइनल थॉट्स ये है कि रामियन बहुत ज़्यादा टेस्टी है, yes. पर बहुत ज़्यादा तीखा है, और वो तीखापन कैसा है, पहले आप खाओगे तो आपको नहीं समझेगा, और फिर हलू 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 बढ़ता है और फिर बहुत तीखा लगने लगता है। तो अभी हमको, आई नो दिस इज़ नॉट कोरियन, बट हमको बहुत तीखा लगा है, तो हमने एक्चुअली कोरियन स्वीट्स को मिले नहीं। हाँ, कोरियन स्वीट्स यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो मैंने ट्राई किया था ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे कुछ था नहीं, तो मैंने ये बाउली के मून फिल्स, ये दो वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर में है, ये क्रॉसो है, तो इसको मैंने गरम करा है। एक वेज है, एक नॉन वेज है, एक वेज है, एक नॉन वेज है, जो वनीला वाला है वो नॉन वेज है, और जो चॉकलेट वाला है वो वेज है, शी इज़ वेजिटेरियन अगेन। तो हाँ, ये भी मैं आपको खा के बता देती हूँ, फिर यहाँ पे मैं आज का वीडियो एंड करूँगी। आई नो और और दो चीज़ें हैं जो मुझे खा के बतानी थी आपको, जो थे कोका के नूडल्स और वो क्या राइस पेपर, पेपर राइस रोल्स, पर हमको भूखी नहीं लगी, मैंने सुबह खाया, बहुत हैवी 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 थे मील्स, तो या वो अगली वीडियो में बनाऊंगी, और फिर आप कमेंट करो अगर आपको देखना रहेगा सेकेंड वीडियो, खोलो एंड आपको मैं दिखाती हूँ ना ये कैसे है। तो ये दिस वन इज नाइस एंड दिस इज वेनिला, इसके लिए आपको दिख रहा नहीं है पर वो वेनिला है। अब ये खाऊंगी मैं वेनिला, आपको खा के बताती हूँ कैसे। बट्टी तो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ मैंने इस वीडियो के लिए मैं बहुत आपने स्टार्टिंग देख लिया रहेगा कि मैं कितनी एक्साइटेड थी, कितनी पम्प्ड अप थी, एंड फिर मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसे एंड होगा, इतने तीखे नोट पे ये एंड होगा, बट फिर हमने ये मीठा गाया तो इसको हमने मीठे नोट पे एंड किया है, एंड मेरे को इतना मज़ा आया है ना ये वीडियो शूट करते हैं, और मेरे साथ मेरी फैमिली को, इसको मेरे भाई को, मेरी मॉम को स्पेशली इतना मज़ा आया है, उसको रिव्यू देने के लिए बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप ये नूडल्स लेके आओ, मैं अगर आप पुणे में रहते हो तो आप आउंड से फाइन फूड्स करके उस शॉप का नाम है जहाँ से मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आई, पर ये अमेज़ॉन पे भी मिलते हैं, मैं नीचे लिंक कर दूँगी, और फाइन फूड का एड्रेस भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। एंड दैट्स फॉर टुडे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आपको ऐसा लगा हो, बहुत मज़ा आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपको अगर नहीं भाई नहीं, मुझे एक ये था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो नीचे इसका अगर सेकंड पार्ट चाहिए हो या कुछ ऐसी ही वीडियो चाहिए हो, I guess we should do Italian food challenge 24 hours. Yeah. Nice idea. क्या आपको चाहिए, क्या बता देना मुझे कमेंट में नीचे, हम रेसिपी भी डाल सकते। हाँ, हम कुक करके खुद बना के भी डालेंगे, दैट वुड बी वेरी फन। तो या मुझे बता दो आप नीचे, अभी रात हो गई, हमको बहुत नींद भी आई है, तो मैं यहाँ पे एंड करूँगी, इसको एडिट करूँगी और फिर पोस्ट करूँगी। और एक बार वापस रिमाइंडर है छोटा सा कि मेरा 30 डेज वीडियो सीरीज चल रहा है, ये 10th वीडियो, इसके पहले के अपने 9 वीडियोज़ नहीं देखे होंगे, तो जाओ देख के आओ, क्या कर रहे हो आप, जाओ देख के आओ। ओके, बाय।